गोवा की रशियन विलेज आरंबोल में मैंने ढूंढी एक सीक्रेट रशियन पार्टी जहां 90% फॉरेनर और रशियन थे और एंट्री बिल्कुल फ्री। और दूंगा पूरा बजट और इन्फॉर्मेशन आरंबोल और ऐसी सीक्रेट पार्टीज की। हे गाइस, दिस इज अर्जुन एंड यू आर वॉचिंग आइकॉन ट्रैवल। जितने भी टूरिस्ट गोवा जाते हैं वो गोवा की बड़ी और फेमस पार्टियों को क्राउड से भर देते हैं। ज्यादातर आपको वहाँ लड़के भरे हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी एंट्री आपको 4000 तक पे करनी पड़ सकती है। वहीं मैं पूरी फॉरेनर्स वाली नाइट लाइफ एंजॉय कर रहा था, जैसे मैं इंडिया से बाहर हूँ, वो भी फ्री में। बेसिकली आरंबोल बीच और मोरजिम रशियन विलेजेस है गोवा की, जहाँ बहुत सारे रशियन ग्रुप्स रहते हैं। और ये विलेजेस गोवा की सिटी से 20 किलोमीटर बाहर है, जिसकी वजह से फॉरेनर्स अपनी सीक्रेट पार्टीज कर लेते हैं आसानी से। किसी को नहीं पता होता कि ये पार्टीज कब और कहां होने वाली हैं, एक्सेप्ट द रशियंस। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक ऐसी पार्टी ढूंढ लो तो शायद वो एक्सपीरियंस आप अपनी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाए तो ये एरिया पूरा गाँव है, तो वहाँ रात को आप कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ कोई क्लब्स नहीं है। मैं स्टे कर रहा था जंगल हॉस्टल वैगतौर में, और यहाँ से मैं अपने फ्रेंड्स को लेके मूव हो रहा हूँ आरंबोल बीच, जो कि एक रशियन विलेज है 20 किलोमीटर दूर, क्योंकि मुझे रशियन पार्टी एंजॉय करनी थी। Hey guys, what's up? और ये अपना बैग वैग है, मैंने जंगल से चेकआउट कर लिया। So, let's roll. हम 6 बजे तक आरंबोल पहुँच गए 20 किलोमीटर का ट्रिप मार के। Hey guys, what's up? तो फाइनली हमने इस वाले होटल में चेक इन कर लिया। तो और यहाँ पे एसी वाले रूम्स मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी 3 बंदों के लिए हमने 1700 का रूम बुक कर लिया। तगड़ा, तो एसी की वजह से द प्लेस इज फकिंग अमेजिंग। क्योंकि ये आरंबोल में, ये देखो, ये इनकी हट्स हैं, ये कॉटेजेस हैं, ये नॉन एसी है, और ये गो गोवा गोल, यहाँ से हम निकल गए। आरंबोल एक विलेज है, इसलिए यहाँ पार्टी के लिए कोई क्लब्स नहीं है। शैक्स भी बहुत ही सिंपल और शांति वाले हैं। हमने यहाँ अमेजिंग फूड और ड्रिंक्स ऑर्डर करी बीच पे, क्योंकि अभी तक मेरे पास कॉन्फर्मेशन नहीं आई थी कि रशियन पार्टी होगी या नहीं। उसके बाद 11 बजे तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। सबसे पहले हम आए इस शैक में जहाँ फॉरेनर्स की डांस पार्टी चल रही थी। एंड सब लोग कपल्स बना के डांस कर रहे थे। यहाँ पे हमने ड्रिंक्स ऑर्डर करी और हमने डांस किया। डांस पार्टी के बाद फॉरेनर्स की मेन पार्टी थी, तो फाइनली हम मेन पार्टी में आ गए। इसमें शायद 60-70 फॉरेनर्स थे एंड 10-15 इंडियंस होंगे। हम बहुत लकी फील कर रहे थे क्योंकि फाइनली जो पार्टी हम ढूंढ रहे थे हमें मिल गई। एंड रशियन डीजे ने गोवा साई ट्रांस म्यूजिक प्ले किया।
और ये शायद मेरी लाइफ की सबसे अमेजिंग साइड पार्टीज में से एक थी। एंड इस पार्टी में एक्चुअली लड़कों से ज्यादा लड़कियां थी। द क्वालिटी ऑफ दिस पार्टी वॉज टॉप नॉच। हर कोई एंजॉय कर रहा था और हर किसी को बस पार्टी करनी थी। और अगर आप एक ऐसी पार्टी ढूंढ लो तो यहाँ पे कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं होते। यहाँ पे एक्चुअली किसी फॉरेनर का बर्थडे था इनके ग्रुप में, तो उसके लिए इन सब ने केक का अरेंजमेंट भी किया हुआ था। हम पार्टी से 3 बजे निकले जब फाइनली फॉरेनर्स निकलने लगे वहां से, क्योंकि आरंबोल एक गाँव है। हमने बहुत मुश्किल से एक छोटा सा रेस्टोरेंट ढूंढा और वहां पे हमने सुपर अमेजिंग फूड और बियर ऑर्डर करी। लाइक द वीडियो अगर ऐसी पार्टी पहली बार देखी है, कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट। एंड अंटिल देन लेट्स आइकॉन ट्रैवल।